Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Umar bin Abid and you are watching Umar Linguistics. And this is the third lecture of Translation Studies Chapter 2 Equivalence at World Level. And the source book we are following for these lectures is In Other Words by Mona Becker. So I suggest and I recommend you that after or before every lecture, please read that topic from the book as well, so you may have a better understanding then. So let's start. तो आज के जो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ नॉन इक्विवेलेंस. चैप्टर का नाम तो यही है. इसमें हमने फर्दर जो है वो एक एक लेक्चर में कुछ चीज़ें देख रहे हैं. हमने वर्ल्ड लेवल पे देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर हमने कुछ मीनिंग की टाइप्स देखी. अब थोड़ा हम प्रैक्टिकल और मेन मोटिव की तरफ आ रहे हैं. तो कॉन्टेक्स्ट की जो कॉन्टेक्स्ट का अगर रोल देखें हम ट्रांसलेशन में, तो वो ये है कि कुछ हमें जो है नॉन इक्विवेलेंस की जो है वो कुछ टाइप्स भी हैं, यानी जो प्रॉब्लम्स आती हैं नॉन इक्विवेलेंस में. यानी नॉन इक्विवेलेंस से क्या मुराद है कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो जिस वर्ड की एक वर्ड की जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो कभी कबार उसके इक्विवेलेंट वर्ड्स जो है वर्ड जो है वो टारगेट टेक्स्ट में नहीं मिलता जो कि सोर्स टेक्स्ट में होता है. तो उस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम नॉन इक्विवेलेंस कहते हैं. तो नॉन इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, इस तरह का वर्ड हम ये वर्ड्स हम बार बार यूज़ करेंगे. तो जो टाइप्स हैं और जो नॉन इक्विवेलेंस है वो एक तो है कि नॉन इक्विवेलेंस की वजह एक तो ये भी है कि कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है हर टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, उस वजह से भी. और कुछ वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मीनिंग जो है वो अफेक्ट भी होता है, ठीक है. और उस जब मीनिंग अफेक्ट होता है उसी वजह से इक्विवेलेंट मीनिंग ढूंढने में टारगेट टेक्स्ट में हमें प्रॉब्लम हो रही होती है कि जो सोर्स टेक्स्ट में जो वर्ड है उसके कौन सा इक्विवेलेंट वर्ड हमें टारगेट टेक्स्ट में यूज़ करना चाहिए. और जो फैक्टर्स हैं वो लिंग्विस्टिक भी हो सकते हैं, नॉन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स भी. नॉन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स की अब हम आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे. लिंग्विस्टिक फैक्टर्स की हम बात कर चुके हैं जैसे लास्ट लेक्चर में भी कुछ, के मीनिंग की कुछ टाइप्स होती हैं प्रोपोजिशनल, एक्सप्रेसिव, कोलोकेशनल और कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं लिंग्विस्टिक. और उनमें से ही एक जो है वो सिमेंटिक फील्ड्स भी है जो हम आज के लेक्चर में देखेंगे. अब वर्ड इक्विवेलेंसी इस कुछ और चीज़ों से भी इफेक्ट हो सकती है. एक्सपेक्टेशंस, यानी ट्रांसलेटर से एक्सपेक्टेशंस क्या की जा रही हैं, ट्रांसलेटर का बैकग्राउंड नॉलेज, प्रेजुडिसेस ऑफ रीडर्स, यानी रीडर्स का कई जो हमारे जहन में हमारे माइंड में कई जो कल्चर्स होते हैं उनके बारे में एक डिसलाइकनेस पाई जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसलेटर को लगता है कि मुझे ये वर्ड जो है इसकी ट्रांसलेशन इस तरह नहीं करनी चाहिए किसी स्पेसिफिक वर्ड की, बल्कि किसी और तरह करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो असल में जो मीनिंग होता है वो कभी कभार नहीं भी कन्वे हो पाता. इस वजह से भी इक्विवेलेंसी इफ़ेक्ट होती है. अगर ट्रांसलेटर ये भी जहन में रखे कि रीडर्स के प्रेजुडिसेस क्या हैं विद इन अ स्पेसिफिक टेम्पोरल एंड स्पेशल लोकेशन, यानी रीडर्स जो हैं उस टेक्स्ट के बारे में या एक टाइम में, यानी आज के दौर में फॉर एग्जांपल एक ट्रांसलेटर के जहन में ये बात होती है कि मैं जो ट्रांसलेशन कर रहा हूँ रीडर्स इसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या अगर मैं ये एक वर्ड की ट्रांसलेशन इस तरह करूँगा क्या रीडर्स उसे बुरा तो नहीं समझेंगे. और एक करंट टेम्पोरल और स्पेशल लोकेशन, टेम्पोरल टाइम्स और स्पेशल मीन स्पेन, यानी टाइम और स्पेस में, यानी एक करंट सिचुएशन में या करंट हो या कोई भी आने वाली सिचुएशन हो उसमें रीडर्स किस तरह एक टेक्स्ट को ले सकते हैं जिसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है या जिसकी ट्रांसलेशन वो पढ़ेंगे. इसी तरह फिर ट्रांसलेटर की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है अपने टास्क के बारे में और उसकी जो असेसमेंट होती है कि एक सिचुएशन में क्या अप्रोप्रिएट है क्या अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं ट्रांसलेशन को. और ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कि ट्रांसलेटर कौन सा वर्ड यूज़ करता है और कौन सा नहीं करता. फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी एक पॉइंट इन टाइम में फॉर सेंसरशिप का कभी कभार आ जाता है कि ये वाले वर्ड आप यूज़ ही नहीं कर सकते, जबकि कभी कभार वही वर्ड अप्रोप्रिएट होते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट होते हैं. फिर कभी कभार इंटरवेंशन की जाती है पार्टीज़ की जानी से, यानी
ٹرانسلیٹر کو اور آتھر اور ریڈر کو، یعنی یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے ٹرانسلیٹر کو. یعنی یہ پولیٹیکل لیول پر اس طرح کی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کچھ ورڈز یوز نہیں کر سکتے، ایون کہ کچھ بکس کی ٹرانسلیشن ہی روک دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کچھ پولیٹیکل، یہ اصل میں ہیں کچھ جو ہم ایکسٹرا لنگوسٹک نان لنگوسٹک فیکٹرز، ان میں یہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک قسم کے جو ہیں وہ ٹرانسلیٹر کی جو اپنی انڈسٹری یا پریجوڈیسز آف ریڈرز، تو یہ ساری چیزیں کچھ جو ہیں وہ نان لنگوسٹک فیکٹرز میں آ جاتی ہیں. لیکن بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ سارے فیکٹر ہیں جو اگر آپ تھوڑا براڈرلی سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ سے جو ایکویولنسی آف ورڈ ہے نا وہ افیکٹ ہوتی ہے، کہ ٹرانسلیٹر ایک ورڈ کی ٹرانسلیشن کے لیے کون سا ورڈ چوز کرتا ہے. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو اس لیکچر میں مین پوائنٹ ہے، سیمینٹک فیلڈس، آپ نے پہلے بھی نام سنا ہوگا، اور لیکسیکل سیٹ جو اسی کا ایک سب پارٹ ہے، سیگمنٹیشن آف ایکسپیرینس، کہ ایک جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اس میں کافی ایک ورڈ میں کافی زیادہ ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں، تو اب ہم اس کی سیگمنٹیشن کیسے کرتے ہیں. سیمینٹک فیلڈس، تو اگر ہم وکیبلری کو دیکھیں کہ جو کسی بھی لینگویج میں وکیبلری ہوتی ہے اس میں کچھ کنسیپچوئل فیلڈز ہوتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہر جو ورڈ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کچھ کنسیپٹس ہوتے ہیں. پھر یہ جو فیلڈز ہوتی ہیں ان میں پھر ڈویژنز اور فردر سب ڈویژنز ہوتی ہیں، اور یہ امپوز کی گئی ہوتی ہیں ایک پارٹیکولر لنگوسٹک کمیونٹی کے لحاظ سے. یعنی پارٹیکولر لنگوسٹک کمیونٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہر لینگویج میں، ہر سوسائٹی میں جہاں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ جن بھی ورڈز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان ورڈز کو وہ کسی ان ورڈز کے پیچھے کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں، اور اس لنگوسٹک کمیونٹی میں وہ ڈویژنز اور فردر سب ڈویژنز جو ایک ورڈ کے انڈر ہوتی ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اس لنگوسٹک کمیونٹی میں. تو لہٰذا جب ٹرانسلیٹر ٹرانسلیشن کرتا ہے تو اسے وہ دیکھنی پڑتی ہے کہ اس سوسائٹی میں لوگ ایک ورڈ کو کس طرح سمجھ رہے ہیں، ایک ورڈ کو وہ کس کانسیپٹ سے دیکھ رہے ہیں، ایک ورڈ میں انہوں نے کیا ڈویژن یا سب ڈویژنس کی ہوئی ہیں. اور لنگوسٹکس میں ان ڈویژنس کو ہم سیمینٹک فیلڈس کہتے ہیں. عام طور پر فیلڈس جو ہیں وہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہوتے ہیں، یعنی ہم کسی بھی ورڈ کے ساتھ کسی بھی کانسیپٹ کو اٹیچ کر لیتے ہیں ایک پارٹیکولر لنگوسٹک کمیونٹی میں، جیسے اسپیچ اور پلانٹس اور وہیکلس. اب سیمینٹک فیلڈ کی ایک ایگزامپل ہے، جیسے اسپیچ ہے، تو اسپیچ ایک سیمینٹک فیلڈ ہے. اس میں اب فردر جو ہیں وہ سب ڈویژنس ہیں، یعنی اسپیچ میں وہ سارے ورڈز آ جائیں گے جو ہم عام طور پر اسپیچ کے لیے یوز کرتے ہیں، جیسے اسپیک، سے، اٹر، ایکسپریس. ٹھیک ہے، پلانٹس ایک سیمینٹک فیلڈ ہے جس میں ہم فردر سب ڈویژنس کر لیتے ہیں، اس میں ٹریز آ جاتے ہیں، پھر اس میں ویجیٹیبلس، فروٹس، ساری چیزیں. وہیکلس، پھر وہیکلس ایک سیمینٹک فیلڈ ہے، اس میں ہم اس کے ساتھ اس میں ہم نے ڈویژنز اور فردر سب ڈویژنس کر لی ہیں، اور کچھ کانسیپٹ ہیں جو وہیکلس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لی ہیں. ٹھیک ہے، کار ہے، پھر اس کے اسپیئر پارٹس، سٹیئرنگ ہے، ٹائر ہے، پیٹرل ہے، انجن ہے، ٹھیک ہے، سیٹ ہے، ریئر مرر ہے، فرنٹ مرر، بیک مرر، یہ ساری چیزیں. تو یہ جو فیلڈز ہوتی ہیں یہ ابسٹریکٹ کنسیپٹ ہوتے ہیں. یعنی مطلب کیا ہے، اسپیچ کا ورڈ اگر آپ سنیں ہی آپ کے ذہن میں کچھ کانسیپٹس آ جاتے ہیں کہ اچھا اسپیچ میننگ سم ون اسٹینڈنگ ایٹ دا روسٹرم اسپیکنگ ٹو سم ون. پلانٹس ذہن میں فوراً آ جاتے ہیں، ٹریز، ویجیٹیبلس، وہیکلس سنتے ہی ذہن میں کار، بسز. ٹھیک ہے، لیکن مے بی ہر ہیومن کے ذہن میں اسپیچ کا سن کے وہ کانسیپٹ نہ آئے، کسی کے ذہن میں مے بی اسپیچ کا ورڈ سن کے یہ کانسیپٹ آ جائے. کوئی جی کوئی آپ کسی مسجد میں بیٹھے ہیں اور کوئی آپ جمعہ سن رہے ہیں، کسی کے ذہن میں اسپیچ کا کانسیپٹ سن کر کوئی موٹیویٹر اسپیکر آ جاتا ہے، کسی کو اسپیچ کا سن کر کوئی اسپیچ یاد آ جاتی ہے. یہ ابسٹریکٹ کنسیپٹس ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ لیکسیکل سیٹس، اب لیکسیکل سیٹس اصل میں جو سیمینٹک فیلڈز ہوتی ہیں نا وہ ایک تو ہیں کہ وہ ہر لینگویج میں کچھ نہ کچھ سیمینٹک فیلڈز ہوتی ہیں، اگر اور کچھ کنسیپٹس ہوتے ہیں جو ہر لینگویج میں ہی موجود ہیں. تو فار ایگزامپل ڈسٹینس کا، اب یہ لیکسیکل سیٹ ڈسٹینس جو ہے نا اس کے اندر جتنے بھی ورڈ آتے ہیں وہ لیکسیکل سیٹس ہیں. تو ڈسٹینس، سائز، شیپ، ٹائم، ایموشن، بلیفس، اکیڈیمک،
सब्जेक्ट्स नेचुरल फिनोमिना। अब ये वो सिमेंटिक फील्ड्स हैं, जाहिर है हर लैंग्वेज में इन डिस्टेंस के बारे में भी बात होती है, साइज के बारे में भी बात होती है, शेप के बारे में बात होती है, टाइम, इमोशन, नेचुरल फिनोमिना, ये हर लैंग्वेज में ही आमतौर पर इन चीज़ों के बारे में बात होती है। तो ये कुछ लार्ज नंबर ऑफ सिमेंटिक फील्ड हैं जो कि कॉमन हैं तमाम लैंग्वेजेस में। तो एक्चुअल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन अंडर ईच फील्ड आर समटाइम्स कॉल्ड लेक्सिकल सेट। तो ये लेक्सिकल सेट की डेफिनेशन है कि ये सिमेंटिक फील्ड है डिस्टेंस, लेकिन जाहिर है डिस्टेंस के अंडर हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं एक्चुअली। फॉर एग्जांपल 100 मीटर फार अवे, 1 किलोमीटर फार अवे, ठीक है, 100 मीटर्स अवे, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना के बारे में, यानी रेन है, अर्थक्वेक है, ठीक है, फ्लड है। तो ये एक्चुअल वर्ड्स हैं जो एक सिमेंटिक फील्ड के अंदर जो एक्चुअल वर्ड यूज़ हो रहे होते हैं उन्हें हम लेक्सिकल सेट्स कहते हैं, उन एक्चुअल वर्ड या एक्सप्रेशन को, ठीक। प्रॉब्लम्स इन सिमेंटिक फील्ड्स, सिमेंटिक फील्ड्स में आप और सिमेंटिक फील्ड्स को डील करते हुए ट्रांसलेटर्स को कुछ प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ती हैं। पहली तो ये बात है कि देयर जनरली टेंड्स टू बी मोर अग्रीमेंट अमंग लैंग्वेजेस ऑन द लार्जर, यानी जो अभी हमने लार्जर हेडिंग देखी है सिमेंटिक फील्ड्स की, ठीक है, ये जो अभी हमने इमोशन ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की है, इस जो लार्जर सिमेंटिक फील्ड्स हैं ना उनमें आमतौर पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो अग्रीमेंट हमें मिल जाता है, यानी ईजीली वो हमें इक्विवेलेंट वर्ड मिल जाते हैं लार्जर स्केल पर। लेकिन हमें जो सब फील्ड्स आगे बनती हैं, यानी एक जो इमोशन है, इमोशन अब एक जो है वो लार्जर सिमेंटिक फील्ड है, लेकिन उसमें जब हम सब डिवीजन करते हैं और जो एक्चुअल वर्ड जब यूज़ हो रहे होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, प्लांट्स अब एक लार्जर हेडिंग है सिमेंटिक फील्ड की, तो प्लांट्स के लेवल पर इतने बड़े लेवल पर जब हम सिर्फ प्लांट की ही बात करें, एक लैंग्वेज में प्लांट वर्ड यूज़ हुआ है उसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना, तो इसमें इतनी मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन जब प्लांट्स के ज़रिए प्लांट्स में फर्दर सब डिविजन आएंगी, प्लांट्स की टाइप्स आएंगी, उनका यूसेज आएगा, तो फिर थोड़ा जो है वो हमें डिफरेंस मिलेगा काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज में, एक ये प्रॉब्लम होती है। फिर मोस्ट लैंग्वेज इज़ लाइकली टू हैव इक्विवेलेंट, ये बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अब मैंने ये सारी लाइंस नहीं पढ़ा, वो आप इजीली पढ़ सकते हैं, यानी वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। तो लैंग्वेजेस में जो है वो इक्विवेलेंट्स जनरल वर्ब्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, यानी जैसे स्पीक से, यानी जो बिल्कुल जनरल वर्ड हैं, यानी जिनका वही मतलब होता है जो जिनका कोई डीप मीनिंग हम इतना नहीं लेते, यानी स्पीक से, अटर, एक्सप्रेस, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, तो ऐसे यानी जो जनरल वर्ब्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें जो है वो इक्विवेलेंसी उनमें भी मिल जाती है ईजीली अक्रॉस द लैंग्वेजेस। लेकिन जब स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स आ जाते हैं तो उनमें फिर इक्विवेलेंसी मिलना या ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है ट्रांसलेटर्स के लिए। लैंग्वेजेस अंडरस्टैंडेबली टेंड टू मेक ओनली दोज डिस्टिंक्शन इन मीनिंग विच आर रेलिवेंट टू देयर पार्टिकुलर एनवायरनमेंट। फिर एक ये बात है कि अक्रॉस द लैंग्वेजेस हर लैंग्वेज में जो डिस्टिंक्शन की जाती है किसी भी मीनिंग की, यानी एक मीनिंग एक वर्ड को जिस मीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसमें एक ख़ास इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट कर रहा होता है कि उस इन्वायरमेंट में लोग उसे किस तरह समझ रहे हैं। अब वो कि वो फिज़िकल इन्वायरमेंट हो, हिस्टोरिकल हो, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और अदरवाइज, यानी एक वर्ड जो एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, एक वर्ड जो लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, क्या ट्रांसलेटर उसे उसी तरह समझ पा रहा है जो कि वो सोर्स लैंग्वेज में जिस तरह वो यूज़ हुआ है। सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, इट्स आर रिग्रेस, यू कैन से रिग्रेस फोर्स, और इन अदर वर्ड्स इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब टू डू, कि क्या आप एक वर्ड को वो जिस लोकेशन में, जिस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करना और उसके इक्विवेलेंट वर्ड टारगेट लैंग्वेज में ढूंढना, ये थोड़ा जो है वो कभी कभार मुश्किल हो जाता है, और कभी कभार इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ट्रांसलेशंस की वजह से, ठीक है। और इसी तरह अब जो सिमेंटिक फील्ड्स का आइडिया है ये कई जगह इनएप्लीकेबल हो जाता है,
क्योंकि हम ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक्चुअली वर्क किस तरह करती है, यानी ये भी हम इसे जब ओवर सिंप्लीफाइड कर दें और हर जगह ही सिमेंटिक फील्ड्स को, यानी वही बात है कि लैंग्वेज के कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स नहीं है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, तो लिहाजा लेकिन ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमें हेल्प करती हैं काफ़ी हद तक ट्रांसलेशन को बेहतर करने के लिए। फिर लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज डिफाई बीइंग क्लासिफाइड अंडर एनी हेडिंग, यानी ये कार्टर और मकार्थी ने कहा है कि हम एक लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं कि डिफाई बीइंग क्लासिफाइड अंडर एनी हेडिंग, कि हम उन्हें किसी भी हेडिंग के अंदर, किसी भी सिमेंटिक फील्ड के अंदर अगर हम उन्हें पुट करेंगे तो हम गलत ही कर सकते हैं। ठीक है, डिफाई का मतलब यही होता है ना आमतौर पर, तो समथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू बिलीव। ठीक है, तो इसलिए कार्टर ने बात की। और सिमेंटिक फील्ड्स का लेकिन जो आइडिया है ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है, और ये ख़ास तौर पर जब प्रोपोजिशनल मीनिंग्स हैं, जो यानी जो ट्रू और फॉल्स की बेस पर, जिस पे मेरे ख्याल में हमने लास्ट लेक्चर में शायद बात की थी, तो प्रोपोजिशनल मीनिंग्स की अगर बात करें तो उसमें तो सिमेंटिक फील्ड्स का आइडिया जो है वो काफ़ी हद तक काम करता है, अगर जो प्रोपोजिशनल मीनिंग्स हैं वो भी वेल डिफाइंड हो। लेकिन तमाम प्रोपोजिशनल मीनिंग्स के लिए भी सिमेंटिक फील्ड कभी कभार काम नहीं करती, और ख़ास तौर पर जो एक्सप्रेशन हैं या जो एक्सप्रेसिव मीनिंग है उनके लिए सिमेंटिक फील्ड्स में सिमेंटिक फील्ड्स को यूज़ करते हुए इक्विवेलेंट वर्ड ढूंढना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। सिमेंटिक फील्ड की यूज़फुलनेस क्या है? लिमिटेशंस के बावजूद सिमेंटिक फील्ड्स जो हैं वो यूज़फुल हो सकती हैं ट्रांसलेटर्स के लिए। अप्रिशिएटिंग द वैल्यू दैट अ वर्ड हैज़ इन अ गिवन सिस्टम, यानी सिमेंटिक फील्ड से हमें वर्ड की वैल्यू का पता चल जाता है एक गिवन सिस्टम यानी गिवन लैंग्वेज में, और इस सिमेंटिक फील्ड से हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ मिलती हैं, हम कुछ स्ट्रेटजीज़ बना लेते हैं कि हमने नॉन इक्विवेलेंस को किस तरह दूर करना है। पहले की बात करें अप्रिशिएटिंग द वैल्यू डैट अ वर्ड हैज़ इन द गिवन सिस्टम, तो ट्रांसलेटर अगर कंट्रास्ट और कंपेयर करे सिमेंटिक फील्ड्स को सोर्स और टारगेट लैंग्वेज में, यानी अगर एक ट्रांसलेटर को कुछ ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं सोर्स टेक्स्ट में जो कि प्लांट्स के अंडर आते हैं, तो अब वो उसे कंट्रास्ट करे उस सिमेंटिक फील्ड को और उसके अंडर जो फर्दर वर्ड्स आ रहे हैं उन्हें वो कंपेयर और कंट्रास्ट करे टारगेट टेक्स्ट में उसी सिमेंटिक फील्ड को और उन्हीं फर्दर सब डिवीजन्स को, तो इस तरह उसे वर्ड की वैल्यू का पता चल जाता है कि मैंने इधर फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सप्रेस यूज़ करना है या अटर यूज़ करना है, तो इससे ट्रांसलेटर जो है वो वैल्यू असेस कर सकता है एक लेक्सिकल सेट की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टम्परेचर की सिमेंटिक फील्ड देखें तो इंग्लिश फोर डिवीजन्स इंग्लिश में की जाती हैं टम्परेचर के लिहाज से, कोल्ड कूल हॉट एंड वार्म। ठीक है, जबकि ये मॉडर्न अरबिक से कंट्रास्टिव है, मॉडर्न अरबिक में फर्दर सब डिवीजन्स हैं, फर्दर डिवीजन्स हैं फोर, फॉर एग्ज़ाम्पल कूल या कोल्ड। अब देखें मॉडर्न अरबिक कूल या कोल्ड में जो है वो फ़र्क नहीं करती, जबकि आपको पता है कि इंग्लिश में होती है, उसे वो बारिद कहते हैं। हॉट, अब जब वो हॉट का वर्ड मॉडर्न अरबिक में यूज़ किया जाता है तो हार यूज़ किया जाता है, लेकिन वो वाला वर्ड जो हॉट वाला है वेदर के लिए जो वर्ड है हॉटनेस ऑफ वेदर को शो करने के लिए मॉडर्न अरबिक में डिफरेंट वर्ड है, जबकि हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ माई लैपटॉप इज़ हॉट, तो उसके लिए मॉडर्न अरबिक में उस हॉटनेस को शो करने के लिए ये वाला वर्ड होगा साखिन, जबकि अगर मैं कहता हूँ द वेदर इज़ हॉट तो उसके लिए मॉडर्न अरबिक में एक और वर्ड यूज़ होगा वेदर की हॉटनेस को शो करने के लिए, और वार्म के लिए एक ही वर्ड है ज़ाफ़ी। तो अब हमें क्या पता चला कि अगर ट्रांसलेटर को ये अवेयरनेस हो कि सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट इनमें एक सिमेंटिक फील्ड में वर्ड किस तरह आपस में कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं, अब देखें ये ऐसा डिफरेंस है। अब अगर किसी को नहीं पता तो वो मे बी वेदर की हॉटनेस के लिए ये वर्ड यूज़ कर दे या वो ऑब्जेक्ट्स की हॉटनेस के लिए ये वर्ड यूज़ कर दे, अगर कोई जो है वो इंग्लिश से अरबिक में ट्रांसलेशन कर रहा है
तो अगर उसने हॉटनेस शो करनी है वेदर की और उसे ये वाला वर्ड पता था, वो यही वाला वर्ड यूज़ कर रहा है जबकि वो गलत है, ठीक है। तो ये एक फील आती है। अब हम दो एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें कूल और कोल्ड में फ़र्क पता चलेगा। द नाइट्स वर कूल बट आफ्टर एन आवर और टू आई वॉज सॉक्ड विद परस्पिरेशन एंड माई बॉडी एच्ड ऑल ओवर। दूसरी है ही वॉज अफ, ये एक जो है वो कॉपस है, उधर उधर से एग्जाम्पल्स ली गई हैं। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द मॉस्को कोल्ड। अब देखें, अब इधर वो कोल्ड के साथ अफ्रेड का वर्ड भी यूज़ कर रहा है। इट मीन्स कोल्ड इज समथिंग स्वेयर एंड नथिंग आई सेड कुड कन्विंस हिम दैट द बिल्डिंग्स वुड बी सो वेल हीटेड एंड दैट ही वुड नेवर फील द वेदर। यानी वो मॉस्को की सर्दी से इतना अफ्रेड था, उसे कहा भी गया कि भाई उधर हीटिंग का बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन वो फिर भी अफ्रेड था। लेकिन इधर उसने कहा कि नाइट्स तो बहुत कूल थी, लेकिन बट आफ्टर एन आवर और टू, यानी इसका मतलब है कि दिन के वक्त, सुबह के वक्त आई वॉज सॉक्ड विद परस्पिरेशन, यानी सुबह बिल्कुल उधर पसीना ही आ जाता है। यानी रात तो थोड़ी ठंडी होती है, कूल का मतलब भी विच इज़ फील गुड, लेकिन जब सुबह होती है तो मैं उधर पसीने से भीग जाता हूँ। तो ये कूल और कोल्ड में उन्होंने फ़र्क बताया, जबकि मैंने आपको अरबिक का भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि अगर तो देखें एक सीमेंटिक फील्ड्स में ट्रांसलेटर को पता है कि सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट में एक सीमेंटिक फील्ड में जो वर्ड्स हैं वो किस तरह कंपेयर कंट्रास्ट करते हैं एक दूसरे से, तो इस तरह वो ट्रांसलेशन बेटर कर सकता है। दूसरी अगर बात करें डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद नॉन इक्विवेलेंस, अब ये है कि सीमेंटिक फील्ड जो हैं वो आमतौर पर हायरार्किकली अरेंज होती हैं, जिसमें पहले मोर जनरल वर्ड आता है फिर मोर स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, जो मोर जनरल वर्ड होता है उसे हम सुपर ऑर्डिनेट कहते हैं। मैंने जो सीमेंटिक्स पे वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने सुपर ऑर्डिनेट और हिपोनिम इन सब पे बात भी की थी, अगर आप ये सिर्फ डिटेल से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो पहला सीमेंटिक फील्ड हायरार्किकली अरेंज होती हैं, और जो मोर जनरल वर्ड होता है वो सुपर ऑर्डिनेट, और जो स्पेसिफिक वर्ड होता है उसे हम हिपोनिम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द फील्ड ऑफ व्हीकल, तो व्हीकल जो है ये एक सुपर ऑर्डिनेट टर्म होगी, लेकिन अब इसमें जो स्पेसिफिक वर्ड होंगे या जो इसके अंडर वर्ड आएंगे, जैसे बस, कार, ट्रक, कोच, इसी तरह अगर आप प्लांट्स को ले लें, प्लांट्स क्या है, सुपर ऑर्डिनेट टर्म है, फिर उसमें हम मज़ीद आगे बनाएंगे ट्रीज़ की अलग बना लेंगे, ओ सॉरी, हाँ ट्रीज़, तो हम कहेंगे कि ये किस एक ये किस चीज़, ये ट्रीज़ के फिर आगे डिफरेंट नाम आ जाएंगे। वेजिटेबल्स में जाएंगे तो वेजिटेबल्स में आगे डिफरेंट वेजिटेबल्स आ जाएंगे, फ्रूट्स में जाएंगे आगे डिफरेंट फ्रूट्स आ जाएंगे। तो ट्रांसलेटर इस तरह के सिमेंटिक गैप्स को, इस तरह की चीज़ों को इस तरह करते हैं कि बाय मॉडिफाइंग अ सुपर ऑर्डिनेट वर्ड और बाय मीन्स ऑफ सर्कमलोक्यूशंस बेस्ड ऑन मॉडिफाइंग सुपर ऑर्डिनेट्स। अब इस सूरत में क्या करते हैं जो ट्रांसलेटर्स, वो सिमेंटिक गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। यानी जो एक सुपर ऑर्डिनेट वर्ड होता है, बाय मॉडिफाइंग, या तो वो सुपर ऑर्डिनेट वर्ड को मॉडिफाई करते हैं, यानी उन्हें पता होता है कि सोर्स टेक्स्ट में व्हीकल्स जो है वो किस तरह यूज़ हो रहा है, या तो वो उसे मॉडिफाई करेंगे यानी उसमें कोई चेंजिंग लाएंगे, या फिर सर्कमलोक्यूशंस करेंगे बेस्ड ऑन मॉडिफाइंग सुपर ऑर्डिनेट्स, यानी कुछ सिमिलर सुपर ऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, व्हीकल से सिमिलर ही जो है वो सोर्स टेक्स्ट में। अब वो जो ट्रांसलेटर वो सर्कमलोक्यूट करेगा। सर्कमलोक्यूशंस का मतलब होता है कि जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल उनमें से आपने एक अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है, तो इसे सर्कमलोक्यूशन कहते हैं, कि आपने वो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना होता है और बाकियों को जो है वो स्किप कर देना होता है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे नॉन इक्विवेलेंस एट वर्ड लेवल एंड सम कॉमन स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद इट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। जज़ाकअल्लाह खैरान एंड थैंक यू।